ये ले बेटा, इसी बात पे मेरी तरफ से छोटी सी पार्टी। थैंक गॉड यार, कम से कम पूरी क्लास से हम दोनों सेम कॉलेज में हैं, वरना तो मैं सोच रही थी कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी स्ट्रेंजर्स के बीच में। और मेरे तो फ्रेंड्स भी नहीं बनते जल्दी से, अकेले ही भटकती रहती नए कॉलेज में। जब से तूने मुझे बोला है ना कि तू भी मेरे कॉलेज में ही एडमिशन ले रही है, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। बाय गॉड, सेम यार। बाय द वे, कॉलेज देखा तूने? देखा कॉलेज? नहीं अभी तक तो नहीं। बहुत बड़ा कॉलेज है यार, और उसका कॉरिडोर ग्राउंड और भी बड़ा और बहुत सुंदर है यार। तूने देख लिया? अभी तो गूगल पे ही देखा है। ओह तो कल देख लेंगे ना रियल में। लेकिन यार कल ना वेरी फर्स्ट डे है, तो बच्चे आएंगे क्या कॉलेज में? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो कह रही हूँ 2-4 दिन बाद चलेंगे कॉलेज, फिर मारेंगे धांसू वाली एंट्री। कहीं पता चले कॉलेज में सिर्फ 2-4 बच्चे आए हैं और हम दोनों की चौपसी हो गई। नहीं नहीं यार, मैं नहीं रुक सकती 2-4 दिन और। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है नया नया कॉलेज ज्वाइन करने की, और बच्चों को भी तो होगी ना एक्साइटमेंट जैसे हमें। कितना मजा आएगा ना, अब स्कूल का हैवी बैग नहीं उठाना पड़ेगा और यूनिफॉर्म से भी छुटकारा मिल गया। हाँ यार, पूरे वीक सेम ड्रेस ऑन रिपीट, बोर हो जाते थे। नो मोर स्कूल शूज, नो मोर 2 चोटियां। अब तो ना जो मन करेगा वो पहन के जा सकते हैं। टशन झाड़ेंगे, हेयर ओपन करके घूमेंगे, और ना डिफरेंट हेयर हैक्स भी ट्राई करूंगी। हाँ भाई, फुल ऐश काटेंगे, और कॉलेज की टीचर भी तो फैशन में आते हैं, तो हमें ही क्या मना करेंगे। हाँ तो हमें भी फुल फ्रीडम है, स्कूल की तरह रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कम से कम। और बोर फील होगा तो सीधा क्लास बंक, क्लास लेने का मन होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो सीधा कॉलेज की गेड़ियाँ मारने चलेंगे, और बस कैंटीन में बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। अच्छा वहाँ वैरायटीज तो होंगी ना खाने में, मतलब साउथ इंडियन फूड और कोरियन फूड तो होगा ना, वो किमची? अभी मैंने सुना है कॉलेज कैंटीन्स में ना सब कुछ मिलता है, साउथ इंडियन, चाइनीज, जो भी तुझे खाना है। सही है यार फिर तो। पर मुझे कंफ्यूजन है यार। ओए दीप, ओए यहाँ क्या कर रही है? हर जगह ढूंढ रही हूँ यार तुझे मैं। जेलेसी? अरे वो तो बस यूं ही, बेस्ट फ्रेंड तो तू ही है ना यार। चल यार अब चिल कर, कुछ मंगा भी ले। राजू भैया एक हाका नूडल्स प्लीज। नूडल्स तो टेस्टी है, चाइनीज तो ऑलमोस्ट टेस्टी बनाते हैं राजू भैया। और यार ये क्या है, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी बोल रहे हैं। मैं तो सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं होता, जब दिल करेगा तब जाऊंगी, स्कूल की तरह डेली नहीं जाना पड़ेगा, और अब यहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस लग रखे हैं। और ये प्रॉक्सी क्या होती है? अरे मुझे भी अभी पता चला, अगर हम कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो किसी भी बंदे को बोल के अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं यार। टीचर्स तो बोल के चले जाते हैं कि एक पेज पे सारे बच्चे अपना नाम दे देना, और कौन सा टीचर्स काउंट करते हैं? है? सही है यार फिर तो, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी। मैं तो सोच रही थी कि डेली कॉलेज आना पड़ेगा, मैं भी प्रॉक्सी लगवा दिया करूंगी फिर तो। हाँ पर उसके लिए भी किसी ना किसी फ्रेंड्स को अटेंडेंस लगवाने के लिए आना पड़ेगा। और तुझे लगता है कि दूसरे बच्चे हमारे अटेंडेंस लगवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं यार। अरे यार वो तो फिर भी ठीक है, जो इन लोगों ने नेक्स्ट मंथ सेमेस्टर रख दिया है इसका क्या, अभी तो कॉलेज ज्वाइन ही किया है यार। यार सिलेबस देखने के बाद तो वैसी हवा टाइट हो गई है, इतना भर भर के सिलेबस दे रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का है, चले क्या?
सबसे बोरिंग लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का। सर भी रोबोट की तरह आते हैं और रोबोट की तरह लेक्चर देके चले जाते हैं। अच्छा तो फिर चल एक चिली ऑर्डर करते हैं। ओए वो देख सीनियर्स। यार ये पहन लूँ क्या? नहीं यार ये थोड़ा ओवर नहीं हो जाएगा? ये ठीक लग रहा है क्या? ये थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है यार। इतना तो मैंने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करते पे नहीं सोचा जितना अब सोचना पड़ रहा है कि फर्स्ट डे पे कॉलेज में क्या पहनूं। तू ना एक काम कर, सोशल मीडिया पे ना फैशन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर ले जो कॉलेज गोइंग आउटफिट्स के ना इतने प्यारे प्यारे आइडियाज बनाते हैं, और मैंने तो ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, इसीलिए तो इतनी टेंशन फ्री होके बैठी हुई हूँ। नहीं यार मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, मुझे खुद का ही ट्रेंड सेट करना है। मैं चाहती हूँ लोग मुझे फॉलो करें और बोलें क्या ड्रेसिंग सेंस है यार, ड्रेसिंग सेंस हो तो इसके जैसा। फिर तू एक काम करना, ये पहन ले, ये कितनी अच्छी है ना? नहीं यार ये ना बहुत ऑर्डिनरी सा हो जाएगा। फर्स्ट डे फर्स्ट लुक फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए ना यार। बाकी तो मैं मैनेज कर लूंगी, सोच रही हूँ व्लॉग भी शूट कर लूँ। फर्स्ट डे इन कॉलेज, क्या पता फैशन इन्फ्लुएंसर बन के निकलूँ कॉलेज से। ओ थम जा फैशन इन्फ्लुएंसर, बीकॉम करने जा रहे हैं हम। उई ये वाला अच्छा है। ओ माय गॉड चल ये वाला डन करते हैं, और बैग ये वाला। इसको तो फैशन ही झाड़ना है। अच्छा तू बता ना तू क्या पहन रही है, तेरे डन है? देख मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, मेरी जो ब्लू वाली ड्रेस है ना जो मैंने हिमानी के बर्थडे पे पहनी थी वही पहन लूंगी। उफ शी इज सो बोरिंग। मुझे तो डिसेंट ही लगना है, और वैसे भी ना मैं इतने ज्यादा ऑप्शंस रखती भी नहीं हूँ। अच्छा एक बात बता, ये रैगिंग वैगिंग तो नहीं होगी ना हमारी? अरे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, और वैसे भी ऑफिशियली तो बैन है ना रैगिंग, तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा हमारे साथ। अगर होती भी होगी तो सीनियर्स को एंटरटेन ही तो करना होता होगा, नागिन डांस करके दिखा दूंगी। काश रैगिंग के टाइम पे मुझे कोई सीनियर हीरो बचाने के लिए आ जाए, हाय उसी टाइम से मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। मम्मी जल्दी से थोड़े पैसे दे दो, कॉलेज जा रही हूं। ये कौन सा टाइम है तेरा कॉलेज जाने का? 10 बजे का तेरा कॉलेज है और तू 10 बजे यहां से निकल रही है, फिर 12 बजे पहुंचेगी, लेक्चर तो तेरे सारे निकल ही जाएंगे। अरे मम्मी स्टार्टिंग के लेक्चर वैसे भी बोरिंग, आई मीन इजी है ना, तो वो तो मैं खुद भी कर लेती हूँ घर पे। अच्छा जब इतनी तुर्रम खाए तू खुद ही कर लेगी सारी पढ़ाई, तो एडमिशन लेके इतनी महंगी महंगी फीसें देने की क्या जरूरत थी? डिग्री तो वहीं से मिलेगी ना मम्मी, बस इसलिए जाना पड़ता है। बस डिग्री लेने ही तो जा रही है तू? और ये क्या पहना है, कॉलेज यूनिफॉर्म कहाँ है? मम्मी बचपन से यूनिफॉर्म ही तो पहनी है, अब कम से कम कॉलेज में तो थोड़ा फैशनेबल कपड़े पहनने दो यार, और अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? बेटा फैशन करने के लिए बहुत टाइम है अभी, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे लो, उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। मम्मी सेम डायलॉग ना आप बचपन से मार रही हो, पहले स्कूल में मारती थी और अब कॉलेज में भी। यूनिफॉर्म क्यों बनवाई है फिर? जब तक नहीं बनी थी तब तक तो तूने मेरे सर में दर्द करके रख दिया था कि यूनिफॉर्म चाहिए, और जब बनवा ली है तो अब पहननी नहीं है तुझे। हाँ मम्मी काम आएगी ना, जब कॉलेज में वाइवा होगा या फिर एग्जीबिशन होगा तब तो यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ती है। इनकी पॉलिटिक्स समझ नहीं आती मुझे तो, बस बर्बाद है। और बुक्स कहाँ हैं तेरी? इसमें है ना एक नोटबुक काफ़ी है, और वैसे भी नोट्स में ही लिखवाते हैं, बुक्स की नीड ही नहीं होती। अच्छा माँ को बेवकूफ़ बना रही है, किताबों की जरूरत नहीं होती पढ़ने के लिए। अरे यार पड़ेगी ना जरूरत मम्मी बुक्स की एग्जाम से पहले, पता नहीं क्या ही फ्यूचर होगा इसका। लंच पैक कर देती हूँ,
बच्ची थोड़ी ना हूँ मम्मी मैं, कॉलेज में भी लंच लेकर जाऊंगी क्या? क्यों बेटा कॉलेज में भूख नहीं लगती? तो उसके लिए कैंटीन है ना, वहीं से कुछ अच्छा सा खा लूंगी। मजाक और बनवाओगी आप मेरा कि बच्ची है क्या लंच लेकर आई है? मैंने फोन तो रख लिया ना, ले फालतू खर्चे मत करियो। मम्मी इसमें क्या ही फालतू खर्च करूंगी मैं, ये तो किराए में ही चले जाते हैं। और कभी ज्यादा पैसों की भी तो जरूरत पड़ जाती है ना मम्मी, फिर इधर उधर मांगते रहो दोस्तों से, अच्छा लगता है क्या? ले 50 और रख ले फिर, कुछ नहीं हो सकता आपका। और हाँ सुन, घर से सीधा कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आना है, कहीं नहीं जाना। ठीक है ना मम्मी, कहीं नहीं भाग रही मैं। बस 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 यही रोक दे। ओए तेरा सब डन है ना कल का? अरे अब तो बता दे क्या पहनने वाली है तू कल, ध्यान नहीं कर रहा तेरे को कोई कॉपी। और वैसे भी टाइम भी कितना ही बचा है, कल शाम को तो फ्रेशर्स पार्टी है। चल ठीक है बता देती हूँ, मैं ना ऑफ व्हाइट कलर का गाउन पहन रही हूँ, उसके राइट लेग में स्प्लिट है, ओवरऑल बहुत सेक्सी लग रहा है। हाँ तेरी मम्मी ने स्प्लिट ड्रेस अलाउ कर दी? पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन मैंने मना लिया, बोला कि मम्मी वैसे तो पूरा फुल है ना ड्रेस, सिर्फ एक लेग पे ही तो स्प्लिट है, और बोल दिया सारी गर्ल्स ना इसी तरह की हॉट ड्रेसेस पहनने वाली है, और अगर मैं चंपूसी बन के जाऊंगी तो मुझे नहीं मिलने वाला मिस फ्रेशर का क्राउन। तो फिर क्या कर दिया अलाउ? मेरा भी ड्रेस ना वैसे तो फुल है, पर पीछे से प्रॉपर बैकलेस है, घर से जैकेट पहन के चली जाऊंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, घर वालों की चिक-चिक खत्म। और मैं तो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग भी कराने वाली हूँ, स्प्लिट ड्रेस है ना मेरा, तो साथ साथ मम्मी से उसकी परमिशन भी ले ली कि मम्मी बाल दिखाई देंगे तो वैक्सिंग तो करवानी पड़ेगी ना। सही है यार, वैसे नेल एक्सटेंशंस तो मैं भी करवाऊंगी, बाय गॉड स्कूल टाइम से शौक रहे नेल एक्सटेंशंस का, स्कूल में तो कभी मौका मिला नहीं। वो हेमा मैम थी ना, वो तो सर पे ही चढ़ी रहती थी अगर मेहंदी लगा लो या नेल जरा से बढ़ा लो तो, पर अब तो सारे शौक पूरे करूंगी, कोई नहीं हमें रोकने वाला। और करेंगे भी कब, बड़े हो गए हम, कॉलेज में आ गए हैं, अब क्या बुढ़ापे में फैशन करेंगे? और थैंक गॉड रोनित मेरा पार्टनर बना है, हम दोनों साथ में वॉक करने वाले हैं, पता है सब क्या बोल रहे हैं कि परफेक्ट लग रहा है हम दोनों का पेयर। हाँ हाँ पता है मुझे, पर मैंने यहीं पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि मेरी पेयरिंग ना आर्यन के साथ की है, वो जिराफ सा लंबा और मैं छोटी सी लग रही हूँ उसके सामने, कितनी लंबी हील पहन लूँ पर ना उसके कंधे तक भी नहीं पहुँच पाऊँगी। काश कोई लड़की एब्सेंट हो जाए ना कल, ऑन द स्पॉट अपना पार्टनर चेंज कर लूँगी। देख लियो जैसा ठीक लगे। हाँ बाकी मैं प्रांजल रोनित और इमरान फ्रेशर पार्टी के बाद ना पूल पार्टी के लिए जा रहे हैं, सोचा तुझे बता दूँ, तो एक एक्स्ट्रा ड्रेस भी रख लियो, आ रही है ना तू? ऑफ कोर्स आऊँगी यार, पर मुझे एक बात बता, कल भी हम स्कूटी से ही कॉलेज जाएंगे क्या? I mean, लोग हंसेंगे ना हमारे ऊपर कि इतनी आइटम्स बन के लड़कियाँ स्कूटी से कॉलेज जा रही हैं। एक सरप्राइज और दूँ, रोनित और इमरान आ रहे हैं हमें पिक करने। सही है भाई, तूने तो एक महीने में इतना अच्छा बॉन्ड बना लिया उनके साथ। हाँ यार अच्छे हैं वो लोग। और एक सरप्राइज और दूँ, उन्होंने वाइन का भी सीन बनाया है। तू पीने वाली है कल? सच में क्या? पर वो तो अल्कोहल होता है ना। अभी तो बड़ा बड़े होने के प्रवचन सुना रही थी, अल्कोहल नहीं होता वो, बेवकूफ फ्रूट जूस होता है। अच्छा फिर तो मैं भी ट्राई करूंगी। आई अच्छा चल कल मिलते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू मम्मी। मैं तो सोच रही थी आप मुझे अपना पुराना वाला फोन देने वाली हो। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड।
हाँ ठीक है, ज्यादा मस्के मत लगा। सोच तो वही रही थी मैं कि अपने वाला ही दे दूंगी, फिर सोचा कि मेरा भी तो टाइम पास नहीं होता ना फोन के बिना, तेरी मासी मामा का भी कॉल आ जाता है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, अब तो कॉलेज स्टार्ट हो गया है, इसका एक नई लाइफ भी स्टार्ट हो रही है, अब बाहर आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो मैं सोच रही थी पुराना फ़ोन क्या ही दूँ, सब बच्चे नया नया फ़ोन यूज़ करेंगे तो इसे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो एक फ़ोन देख लेना कोई अच्छा सा। फ़ोन पर बात होती रहेगी तो हमें भी टेंशन नहीं रहेगी कि कहाँ है कहाँ नहीं है। या फिर एक काम करना, वही फ़ोन ले आना जिस फ़ोन का नाम ले रही थी ये। वैसे मम्मी, जब आप पापा से बात कर रही थी ना तो मैंने सुन लिया था। हाँ पूरे दिन कान लगा के ही तो रखती है तू कि मम्मी किससे बात कर रही है किससे नहीं कर रही है। अब आप इतनी तेज तेज बात करोगी तो सुनाई तो आएगा ही ना, कान थोड़ी ना बंद कर लूंगी। अब फोन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फुल आजादी मिल गई। यूज करने के लिए दिया है बेटा, मिस यूज मत करना। और कॉलेज में ज्यादा किसी से मतलब रखने की जरूरत नहीं है, ना किसी को फालतू में नंबर देना है, बस खुद से और अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है। और ये लड़के लफाड़ों से दूर ही रहना, पता नहीं होता आजकल कौन कैसा है। बस अपने काम से काम रखना है, ज्यादा दोस्ती यारी निभाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माता श्री। देख रही है कितना बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। गूगल पे सर्च करने पे नेटफ्लिक्स की कोरियन सीरीज की तरह लग रहा था एकदम कॉलेज। मुझे तो ड्रीम भी आया था कि मैं ना सीरीज की मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही है, पूरा रेड कलर से पेंट कर रखा है। कोई और कलर नहीं मिला क्या इन्हें? स्टिल ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है। मतलब अब कर भी क्या सकते हैं, यही कॉलेज आना था हमारी लक में। हाँ तीन कॉलेजेस में नाम आया था, तीनों में तो सबसे बेस्ट यही था। काश थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती एग्जाम्स में तो थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिल जाता। चल कोई ना, इस कोर्स के बाद चेंज कर लेंगे। खुशी और निष्ठा का सही है, दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला है दोनों को। यार ये बेस्ट कॉलेजेस को 90+ परसेंटेज ही क्यों चाहिए होती है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है 70% वालों की। देखियो तू, दिखा देंगे कि परसेंटेज मैटर नहीं करती, टैलेंट मैटर करता है। ये बात, वैसे ही हमें फ्रेशर्स पार्टी नहीं देंगे क्या? पता नहीं यार, अभी तक तो कुछ नहीं पता, पर हमारी एक सीनियर है पलक दी, थर्ड ईयर की, वो बोल रही थी कि वैसे तो हर बार टाइम से होती है पर शायद इस बार थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए क्योंकि कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस है ना। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी फ्रेशर्स पर, कहीं पानी ना फिर जाए सारे अरमानों पर। अरे बी पॉजिटिव, वेलकम तो होगा हमारा, बस ये कॉलेज वाले भी ना थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। यू नो व्हाट, पलक दी बता रही थी कि उनकी फ्रेशर्स पार्टी का ड्रेस कोड ना वेस्टर्न था और उन्होंने ना बॉडी कॉन ड्रेस पहना था, फोटो भी दिखाई थी उन्होंने, पटाखा लग रही थी एकदम। इतना ज़्यादा फ्रैंक हो गई क्या वो तुझसे? मुझे तो उन्होंने कॉलेज के पॉपुलर कपल के बारे में बताया था। हैं? कौन है कौन है? अरे वही जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हैं, आदित्य मेहरा। आए तो थे हमारी क्लास में वोट मांगने के लिए कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बस इस नाम पे वोट डाल देना। अच्छा वो उनकी गर्लफ्रेंड है? यार मुझे तो उन पे क्रश होने लगा था, दिल टूट गया मेरा। अबे पागल है क्या, तुझे लगता है तुझे घास डालेंगे वो, इतनी पॉपुलर पर्सनैलिटी है वो। मुझे जेलिसी हो रही है, कौन है उनकी गर्लफ्रेंड? वो तो मैंने भी नहीं देखी पर निहारी का नाम है, शायद आज कॉलेज नहीं आई है वो। भगवान करे कभी आए भी ना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है दोनों को साथ में देखने की, बहुत पॉपुलर लव स्टोरी है दोनों की। रहने दे मुझे मत सुना। चल ठीक है सुना दे, मुझे पता तो होने चाहिए ना क्रश के कारनामे। कॉलेज के टॉप पे जाके प्रपोज किया था आदित्य मेहरा ने, तब से पूरा कॉलेज निहारिका को भाभी भाभी बोलता है।
और बता, तेरी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? एंजॉय तो कर रही है ना? फुल ऑन. और यू नो व्हाट, फर्स्ट डे सीनियर्स के बैच में पहुंच गई. दो लेक्चर लेने के बाद पता चलता है ये तो सीनियर्स की क्लास है. अच्छा मुझे एक बात बता, हमारे स्कूल से कोई और भी है क्या तेरे कॉलेज में? हमारे स्कूल से कोई भी नहीं है मेरे कॉलेज में, पर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं कुछ. और तुझे पता है इस मंथ के लास्ट में हमारा कॉलेज ट्रिप भी जा रहा है दार्जिलिंग. सही है बेटा, कॉलेज के स्टार्टिंग में ट्रिप मार रही है. हाँ, नए फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में ना हम पुराने फ्रेंड्स को मत भूल जाइयो. क्यों ना भूलूं, कौन सा पुराने फ्रेंड्स मेरे साथ मेरे कॉलेज में है? अब ऐसे बोलेगी तू? तू तो जानती है ना कि मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं. उन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद ही मुझे डीओ हॉस्टल भेज दिया था. कौन नहीं रहना चाहता यार अपने फ्रेंड्स के साथ. मैं बहुत मिस करती हूँ तुम लोगों को, और व्हाट्सएप पे बात हो जाती है बस, वरना वो भी नहीं होती. और आज मेरा दिल किया तो तुझसे मिलने आ गई. मजाक कर रही हूँ यार, पागल है क्या? स्कूल डेज तो इमोशंस होते हैं, इन्हें कैसे भूल सकते हैं. पर तुझे याद है हमने स्कूल टाइम्स में ही कितनी सारी प्लानिंग कर ली थी कि सारे फ्रेंड्स मिलकर ना एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, साथ में वर्ल्ड टूर करेंगे, लाइफ टाइम साथ में रहेंगे. और हमने तो ये भी सोचा था ना कि हम लाइफ टाइम शादी करेंगे ही नहीं, हमें पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, हम दोनों ही काफी हैं एक दूसरे के लिए. पर तब तो मुझे तुझ पे सच में डाउट होने लगा था कि कहीं इसका कुछ और इरादा तो नहीं है. शादी नहीं करेंगे का क्या मतलब होता है? पर बाय गॉड, हमारा स्कूल वाला ग्रुप भी अगर कॉलेज में साथ होता ना तो आग लगा देते. हमारे लेवल का ना कोई कमीना नहीं होता पूरे कॉलेज में. जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के नाक में दम करके रख देते, वैसे ही कॉलेज में होता. पर हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग कहाँ चलती है यार लाइफ. ये सब छोड़, तू ये मुझे बता कि तेरा कोई क्रश व्रश बना कॉलेज में या नहीं? हाँ, एक सर है इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं. सही है बेटा तेरा, स्कूल टाइम में तो सीनियर्स को क्रश बनाती थी और कॉलेज में सीधा टीचर. हाँ? अरे यार, ही इज सो यंग और वो इतने चार्मिंग है ना. मुझे छोड़ कॉलेज की हर लड़की उनके पीछे पागल है. और मैंने सुना है उन्होंने सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, सेम कॉलेज में ही टीचिंग कर रहे हैं. ताता, ताता। अभी तो गूगल पे ही देखा है. अरे पर कल रियल में देख लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? पर मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही. लेकिन मुझे बात और तुझे पता है इस मंथ के लास्ट में ना हमारा कॉलेज ट्रिप भी जा रहा है दार्जिलिंग. दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, पता नहीं क्यों. पानी मिले कि वो उसके वजह से. वाह यार, मिलो. दिस वन इज सुपर. चल करें, देखो ऊपर करो मुंह ऐसे.